जरा वो दिखा देते हैं कि यूके की एकेडमी में बाबर आजम की टेक्निक्स भाई दिखाई जा रही है कि इस तरह कवर ड्राइव मारनी है। बाबर आजम की कवर ड्राइव फिजिक्स में भी आ गई थी और मुझे ऐसा लगता है ये देखें बकायदा एक बाबर आजम यूनिवर्सिटी खुलने वाली है जहां सिखाया जाएगा। वही बात है यार, क्रिकेट तो यार है कि मुझे दाल बराबर है पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ना जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस पे लेके या कराची की तरफ से खेल रहे हैं पेशावर की तरफ से खेल रहे हैं वो एक अलग बात है। बाबर आजम नो डाउट वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और ये हमारे लिए बड़े एहसास की बात है कि वो पाकिस्तानी लेकिन कराची के वालों को ये बात पता नहीं है कि वो वर्ल्ड क्लास है इसलिए उनको रिलीज कर दिया। बाबर आजम की टेक्निक सिखाने के लिए एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए कराची के लिए। बाबर आजम जो है वो मैच में नहीं थे। बाबर को बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है, ये हमारे लिए एक फखर है। सही कह रहा है काशिफ, बड़ा फखर है। लेकिन बाबर आजम ऐसा खिलाड़ी है कि अभी तो उसने चार्ज करना शुरू किया है, ये आगे बहुत सारे रिकॉर्ड्स पे पहुंचेगा। अभी इसके पास उम्र भी है, फिटनेस भी है और क्रिकेट खेलने का, क्योंकि आपके पास आप कप्तान हो ना, आपने तो ड्रॉप होने ही नहीं है और फिर माशाल्लाह आप फिट हो, आप इंजर्ड भी नहीं होते, सही ना, तो आपके पास तो रिकॉर्ड के अंबार लगाने का टाइम, और ये लगाएगा, इसके अंदर ये एहलियत है कि वो लगाएगा। बाबर आजम की जो बहुत अच्छी लगती है ना, बैट्समैन में जब भूख होती है ना रन की, वो उसे बड़ा बनाती है। और बाबर आजम की सबसे अच्छी बात आपने देखी होगी, जब सीरीज नहीं हो रही होती, कोई भी क्रिकेट नहीं चल रही होती, जब भी रेगुलर जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं एक वक्त खाने के बगैर तो रह सकता हूँ, इसके बगैर नहीं प्रैक्टिस के बगैर। तो जो शख्स अपनी बैटिंग को इतना सीरियस लेता है, हमें भी स्टार खिलाड़ी मिलेंगे ना, उससे बड़ी बात है कि बाबर आजम कोई विराट कोहली के साथ नहीं करते, मैंने आपको पहले भी बताया था, 8 घंटे ट्रेनिंग परफॉर्मेंस से इसी तरह बाबर भी ट्रेनिंग पे परफॉर्म और उसका जर भी बड़ा है बाबर का। उसके खिलाफ लोग पता नहीं क्या क्या कोई स्कैंडल लेके आ जाता है, वो कहता है मैं अपनी परफॉर्मेंस से करूंगा। भाई आज क्या मैच बता दें, दो प्रेडिक्शन सही हो गई है। बाबर भाई आपने हदफ बराबर कर दिया है अपना, दो गलत दी थी कराची किंग्स की, आज फिर कराची किंग्स है। मैं तो कह रहा हूँ कराची किंग के लिए सबसे बड़ा मसला उसके डेथ ओवर है और आज ये दूसरी बॉलिंग करेंगे। लेकिन आज लेकिन जावेद को ऐड खिलाया है आकिब जावेद, वो शायद कुछ, लेकिन आकिब जावेद भी नई बॉल से अच्छे हैं, वो भी डेथ ओवर में जाके फंसते हैं, उनका भी अगर पिछला आज को लाहौर को मैं तो जितवा रहा है, दिल मेरा चाहता है कराची जीते लेकिन मुझे लगता नहीं है इतनी है, यानी कि आज फिर कराची के साथ जाऊंगा। लेकिन करना क्या होगा, इमाद वसीम को बीच में ला के मलिक को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा, ताकि वो अगर उनका कोई एक बॉलर पिच में पिट भी जाए, उसे पता हो कि इसका प्रेशर नहीं है चार ओवर पूरे कराने का। फखर को निकालने के लिए अगर वो मलिक को यूटिलाइज ना करे लेफ्टी को आउट करने के लिए, फिर वो क्या, और फखर अगर खड़ा हो गया तो आपको पता है। उम्मीद है आज का मैच कराची किंग्स जीत जाएगा और हम कल फखर से बोलेंगे कि कराची किंग्स ने भी एक मैच जीत लिया है। तो इस लाइव सेशन को खत्म करते हैं, हाजिर होंगे फिर। ज्यादा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।